तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है गाइस। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग ने कमेंट करके बताया है कि भाई वो लोग अपनी मेहनत लगा के, ठीक है, वो लोग अपनी मेहनत लगा के पूरा एडिटिंग वगैरह एकदम अच्छे से करके वो लोग 1080p अल्ट्रा HD पे वो लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो लोग वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, थोड़े टाइम के बाद भाई उनका वीडियो जो है वो ब्लरी दिखता है, पिक्सेलेटेड दिखता है और एकदम क्वालिटी मतलब कि पूरी बिगड़ जाती है, ठीक है, इनके वीडियो की। तो गाइस आज आपके लिए लाया हूं मैं बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन विथ प्रूफ। यस गाइस, विथ प्रूफ, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ना एक अच्छी चीज, कॉमन चीज बता देने वाला हूं, ठीक है, जो कि है यूट्यूब के पास ना गाइस दो एनकोडर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एनकोडर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि है AVC1 और दूसरा एनकोडर आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि है VP09। अभी दोनों कोडेक्स के बीच में मैं आपको एक ऐसा फर्क बताता हूँ जो कि आप यूट्यूबर समझ सकता है, ठीक है। AVC01 एक ऐसा कोडेक है जिसमें गाइस आप लोग 1080p वीडियो अपलोड करोगे बट वो आपको ऐसा कॉम्प्रेस करेगा ना आपके वीडियो को, ठीक है, तो भाई उससे आपके वीडियो की क्वालिटी खराब दिखेगी। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर भाई बहुत सारे वीडियो एक साथ में अपलोड होते हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, आपने मान लो कि आपने एक वीडियो डाला जो कि अप्रोक्सीमेटली चलो 10GB का है वीडियो, आपने उसको अपलोड किया, पर यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब उस वीडियो के ऊपर अपना कंप्रेशन अप्लाई करता है जिससे वो वीडियो छोटा हो जाता है साइज में, ठीक है। तो उससे गाइस वीडियो की क्वालिटी घट जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम VP9 की बात करें तो VP9 भी अपना कंप्रेशन डालता जरूर है बट गाइस वीडियो में फर्क होता है, ठीक है। VP9 की मदद से गाइस आपका जो यहाँ पे वीडियो होगा वो एकदम खतरनाक दिखेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिखेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने ब्राउजर के अंदर गाइस मैंने अपने सबसे लेटेस्ट वीडियो मेरा अपना सबसे लेटेस्ट वीडियो जो कि है यहाँ पे ये रहा मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो है हाउ टू क्रिएट अ गैंग वॉर इन GTA 5 जो कि मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। और ऑन दी अदर हैंड मेरा सबसे ओल्डेस्ट वीडियो जो कि है सबसे पहला वीडियो इस चैनल का जो कि है हाउ टू मॉड GTA 5 यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी गाइस ये देखो, ये है मेरा सबसे पहला वाला वीडियो जो कि आप देख सकते हो 1 साल पुराना, और ये है मेरा अभी का लेटेस्ट वीडियो। अभी मैं गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे यूट्यूब को पेज ओपन किया, हमको यहाँ पे वीडियो के ऊपर यहाँ पे अपना माउस लेके जाना है, राइट क्लिक करना है और स्केच फॉर नोट्स के ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आप यहाँ पे देख सकते हो अपने वीडियो की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती है, उसमें आप कोडेक देख सकते हो, ठीक है। मेरा कोडेक कौन सा है, AVC01, ठीक है। इस वीडियो का मेरा कोडेक है AVC01 बट देखो मैंने इस वीडियो को ना 1080p 60fps में अपलोड किया है और मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और ये देखो भाई इसकी क्वालिटी, ठीक है, ब्लरी पिक्सेलेटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो अभी गेम में जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे देखो पूरा ये देखो ब्लरी पिक्सेलेटेड रिकॉर्डिंग है, देखो भाई एकदम अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा फेस भी एकदम ब्लरी है वगैरह, सब कुछ एकदम ब्लरी है, ठीक है इस वीडियो के अंदर। अभी मैं गाइस आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, इसको इसको करते हैं बंद। यहाँ पे गाइस मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो है, इसके ऊपर मैं गाइस राइट क्लिक करके स्केच फॉर नोट्स करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कोडेक VP09 इज द कोडेक। और मैंने जिस रेजोल्यूशन में इसको अपलोड किया है वो है 1440p, मतलब कि भाई 2K में मैंने इसको अपलोड किया है। और मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये देखो अभी गेम के अंदर आया हूँ और आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि कितना फर्क है रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, बहुत ही बड़ा फर्क है। अगर आपको पूरा अच्छे से और फर्क देखना है तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं 2 अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ विद 1080p और एक वीडियो में अपलोड करूंगा विद 2K, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में एक्चुअली में डिफरेंट कोडेक आने वाला है, ठीक है। एक में AVC01 आएगा, एक में AVC1 आएगा और एक में आएगा VP09, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने ब्राउज़र को क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर मैंने एक्चुअली में GTA 5 का एक रिकॉर्डिंग किया था जो कि सबसे इनफेमस मिशन है GTA 5 का, उसको मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरी गाइस छोटी सी रिकॉर्डिंग, और गाइस मैं आपको इसको मैंने रिकॉर्ड किया है इन OBS और इस रिकॉर्डिंग की ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस रिकॉर्डिंग की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा रिकॉर्डिंग, ये रहा, ओके। तो ये है गाइस मेरा रिकॉर्डिंग, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ठीक है, और डिटेल्स में जाऊँ तो ये देखो 1920x1080p, ये मेरा 1080p का वीडियो है, 1080p 60fps का ये मेरा वीडियो है गाइस, ठीक है। और गाइस इसको मैं सबसे पहले विदाउट एनी कंप्रेशन या ऐसा कुछ मैं फिलहाल इसको मैं अच्छे से अपने तरीके से कट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको कट करना है, ये मैंने कट कर दिया अपने तरीके से। आप ये जो सॉल्यूशन है ना
ये हर एक वीडियो एडिटर में वर्क करेगा। अगर आप फिल्मोरा यूज कर रहे हो तो फिल्मोरा में करेगा, अगर आप लाइक डाविंची यूज कर रहे हो तो डाविंची में भी वर्क करेगा, और अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो तो भाई प्रीमियर प्रो में तो आपको दिखा ही रहा हूँ मैं, तो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देखो गाइज, ये है मेरा वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम अच्छी। मैंने इसके अंदर ना ग्राफिक मोड भी डाल के रखा हुआ है जो कि मैं फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर ये एच एम में ग्राफिक मोड को बहुत ही अच्छा लग रहा है तो उसका भी वीडियो चल जाएगा। ठीक है, हिट द लाइक वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। ओके, तो ये देखो गाइज, यहाँ पे ये मेरा वीडियो है। अभी मैं इस वीडियो को ना सबसे पहले रेंडर करूंगा इन 1080p ओनली। ठीक है, तो कंट्रोल एम करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ से कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे अपने नाम दे देता हूँ 1080 कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि मेरा 1080 हो गया, 1920x1080, 60 फ्रेम्स, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ। नीचे जाना है, हार्डवेयर एनकोडिंग है अपना। ठीक है, नीचे जाना है और यहाँ से मैं कर लेता हूँ। एक्चुअल में काफ़ी लोग बोलते हैं VBR अच्छा है, VBR अच्छा है, मैं मोस्टली CBR में ही करता हूँ। अगर आपको फॉलो अप करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो CBR में ना मैं क्या करता हूँ, CBR में मैं 50 एक्चुअली में अलाउ करता है। ठीक है, तो मैंने 50 किया, और ये देखो 700 MB का मेरा वीडियो है, तो मैं इसको फिलहाल एक्सपोर्ट के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग इसी वीडियो को 1440p में कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरा यहाँ पे ना 1080p का रेंडर खत्म हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक्चुअल में रेंडर कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ पे, देखो ये 1080p का मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा गाइस 1920x1080p, 52,000 kbps मैंने इसको अपलोड किया, और ये 60 fps का वीडियो है मेरा। ठीक है, 1920x1080p का ये मेरा वीडियो है। ठीक है, तो गाइस हमने 1080p पे अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर लिया और मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज भी दिखा दिए। अभी हमको इसी वीडियो को गाइस 2K में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपने टाइमलाइन को पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर्स रहना चाहिए जिससे आपका टाइमलाइन सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी हमको जाना है सीक्वेंस के ऊपर, सीक्वेंस सेटिंग्स के ऊपर जाना है। फिर हमको यहाँ पे सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि आपका ये 60 fps पे हो। हमें यहाँ पे 1920 के बदले लिखना है 2560, और ऑन दी अदर हैंड 1080 जहाँ पे लिखा हुआ है हमको यहाँ पे लिखना है 1440। तो ये देख सकते हो 2560 1440 ये 60 फ्रेम्स पर रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना, ओके दबा दो। और ये देखो आपको गाइस यहाँ पे 2560 का आपका कैनवास तो बन गया, बट यहाँ पे देखो आपका वीडियो छोटा हो गया। बट सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड स्केल टू फ्रेम साइज के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे गाइस आपका 2560 1440 हो गया। अभी हमें कंट्रोल एम दबा के इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट का सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को नाम दे देता हूँ 2K। ठीक है, जिससे मेरे को पता चाहिए 2K का वीडियो है, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस 2560 1440, पहले कैसा 1920x1080 था ना, अब 2560 1440 हो गया। रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ को क्लिक करना है, थोड़ा नीचे जाएंगे, एनकोडर सेटिंग के ऊपर मेक श्योर हार्डवेयर एनकोडिंग हो, मतलब कि आपका ग्राफिक कार्ड यूज करेगा। मेन के ऊपर अनटिक करना है, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है हाई। ठीक है, इसके ऊपर अनटिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है 5.2। ओके, ये करने के बाद गाइज हमको नीचे जाना है, यहाँ पे गाइज हमको CBR ही रखना है। अगर आपको VBR रखना है आपकी मर्जी है, VBR में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे CBR ही रखूँगा। ठीक है, ट्राई कर लो, आपको VBR में अगर अच्छी क्वालिटी मिल रही है कम साइज में तो यू शुड गो फॉर VBR, अगर आपको CBR में क्वालिटी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर CBR, दैट्स इट। आपको जहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है आप वहाँ पे जाओ। ओके, हमने यहाँ पे बिटरेट को रखना है, अभी मेक श्योर करना है एक चीज़ करना। ठीक है, अगर आपका वीडियो 60 fps के ऊपर है तो आपको CBR की जो वैल्यू है ना वो उससे या तो थोड़ी ऊपर या तो डबल रखनी है। मतलब कि देखो अभी ना 50 है तो अच्छा नहीं लगेगा, 60 से मेरे को या तो 90 के ऊपर करना है, ठीक है, या तो 120 के ऊपर करना है। ठीक है, 60 के ऊपर नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 120 के ऊपर करूँगा। देखिए मेरा 1 GB का वीडियो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक्सपोर्ट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये गाइस इस वीडियो को हमने एनकोड किया ऑन 2560x1440। मैंने इस वीडियो को एक्चुअल में रिकॉर्ड किया है 1080p के ऊपर, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 2560x1440 मतलब कि 2K के ऊपर, जिससे गाइस मेरे को VP09 कोडेक मिलेगा ऑन YouTube, जिससे आप सभी लोगों को जो क्वालिटी मिलेगी ना मेरे वीडियो की वो अच्छी मिलेगी। अभी फिलहाल ये भी जो वीडियो आप देख रहे हो ना ये भी 1080p पे ही रिकॉर्ड हो रहा है, बट इसको मैं 2560 पे कन्वर्ट करूंगा, जिससे गाइस आपको इस वीडियो की क्वालिटी जो है वो VP09 कोडेक के ऊपर एकदम बढ़िया क्वालिटी दिखेगी। अभी मैं क्या करूंगा, 1080p के वीडियो को भी अपलोड करूंगा मैं, और 2K के वीडियो को भी अपलोड करूंगा। दोनों वीडियोस को मैं एक्चुअल में अनलिस्टेड में रखने वाला हूं, और गाइस मैं क्या करूंगा कि दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद स्टैट्स देख सकते हो दोनों में किसको कितना कोडेक मिल रहा है, कौन सा कोडेक मिल रहा है। 1080p को AVC का कोडेक मिल रहा है,
एंड ऑन दी अदर हैंड 2K वालों को मिल रहा है VP09 जो कि एक अच्छा कोडेक है। तो अगर आपको गाइस ये वाला वीडियो पसंद आया हो और आपका प्रॉब्लम जो है जो ब्लरी रिकॉर्डिंग वो सब का प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ हो तो भाई मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन भाई। 25 लाइक्स का एम रख रहा हूँ भाई, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसकी मदद से गाइस मेरी चैनल को भी काफ़ी मदद मिली है, जिससे मेरे वीडियो की क्वालिटी भी बहुत बड़ी है और जिससे लोगों को एकदम क्लियर शार्पर इमेज आ रहा है कि मैं एक्चुअली में आपको दिखा क्या रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है जैसे कि मतलब लाइक करो, 25 लाइक्स का एम है, कमेंट करके बताओ कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ऑल्सो गाइस आपको क्या ये सेटिंग अच्छे लगे। ठीक है, इसी के साथ गाइस हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे सेफ, कीप गेमिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।